नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको भी अपने FB में VIP अकाउंट बनाना है तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो दोस्तों मैं आपको अपना VIP अकाउंट दिखा देता हूँ कि कैसा है। दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पे हमारी चार फीचर है, फोटो, यहाँ पे हमारी हॉबीज, यहाँ पे दोस्तों हमारा वर्क। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा FB अकाउंट जो कि पूरी तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों आपको अभी अपने FB में ऐसा VIP अकाउंट क्रिएट करना है तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, वरना दोस्तों आपने वीडियो को स्किप किया तो कोई पार्ट्स मिस हो जाएगा और दोस्तों आपका FB अकाउंट पूरी तरह से VIP नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी फेसबुक ओपन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है अपने प्रोफाइल पे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी जो भी डिटेल है हमें डालनी है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला तो हमारा जो कि अकाउंट है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो इसे VIP और अट्रैक्टिव कैसे बनाना है? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप टच करोगे तो भी आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऐड पैकेज मिल रहा है उस पर भी क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कोई अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर चॉइस कर लेना है, जैसे कि देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से चॉइस कर ली है और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और यार दोस्तों चाहो तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो कम्प्लीटली यहाँ सेट हो चुकी है तो मैं इसे एडजस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपके जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही है। प्रोफाइल पिक्चर के बाद दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कवर फोटो। कवर फोटो दोस्तों यहाँ पे आपको लगानी है। दोस्तों कवर फोटो आपको कैसे लेनी है? कवर फोटो के लिए दोस्तों आपको FB से बैक आ जाना है और आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसे आपको ओपन कर लेना है। नॉर्मली मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो सर्च का ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है wowhindi.com, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है wowhindi.com। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो पहली वेबसाइट मिल रही है दोस्तों उसको आपको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको एक और सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, उसकी आपको क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ से नॉर्मल का टाइप कर लेना है। फेसबुक कवर फोटो इतना आपको दोस्तों यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो पोस्ट मिल जाएगी, ये दोनों पोस्ट बहुत ही अच्छी है, इसमें जो चाहे आप इसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं यहाँ पे सेकंड वाली पोस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। नॉर्मली इस पोस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने पोस्ट ओपन किया और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो हमारे सामने बहुत ही अच्छे अच्छे कवर फोटो यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे कवर फोटो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं दोस्तों लेके। तो नॉर्मली दोस्तों ये वाला जो कवर फोटो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे डाउनलोड कैसे करूँगा? डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैं नॉर्मल सा एक बार उस कवर फोटो पर टैप करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कवर फोटो दिख रहा है, दोस्तों यहाँ से आपको टैप एंड होल्ड करना है और दोस्तों आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और नॉर्मल सा आपका फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपका फोटो यहाँ पे कवर फोटो डाउनलोड हो जाए आपको फिर से FB में आ जाना है। FB में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टच कर लेना है ऐड पे। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से हमने दोस्तों जो नॉर्मली यहाँ पे हमने जो कवर फोटो डाउनलोड किया था उसे ले लेना है। और दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कि कवर फोटो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सेट हो गया तो मैं इसे हिलाऊंगा नहीं। और दोस्तों जैसे ही आपका कवर फोटो यहाँ सेट हो जाए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ भी थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका कवर फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कवर फोटो आ चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थर्ड ऑप्शन पे दोस्तों यहाँ पे जो अवतार दिख रहा है मैं आपको क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, आपको उसको खुद ही क्रिएट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है बायो। बायो कैसे लगाना है दोस्तों? बायो आपको कोई अच्छा सा बायो यहाँ पे लगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले FB से बैक आ जाना है और फिर से अपना क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। नॉर्मल सा यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है दोस्तों फेसबुक स्टाइलिश बायो, इतना आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लेना है दोस्तों।
यहाँ पे दोस्तों आपको नॉर्मली यहाँ पे दोस्तों आपको 3 पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी बहुत ही अच्छी सी, उसमें से आपको जो चाहिए उसे आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल सी जो फर्स्ट वाली पोस्ट है उसे ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे आप आराम से चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, और अगर आप चाहें तो ये सब पढ़ भी सकते हैं। ये पोस्ट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉर्मल सब स्क्रॉल डाउन करना है, आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे बायो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्मली ये वाला जो दोस्तों बायो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे मौका कहते हैं, इसे लेने के लिए दोस्तों आपको पूरा बायो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपके सामने कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका पूरा बायो जो कि कॉपी हो जाएगा, कॉपी होने के बाद दोस्तों आपको फिर से FB में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बायो का ऑप्शन मिल रहा होगा दोस्तों, उस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। और नॉर्मल का ये वाला जो बॉक्स हमें मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना बायो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है दोस्तों, हमें जो कॉपी ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो कुछ अपने ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 101 तक ही अल्फ़ाबेट है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपका बायो कम्प्लीट हो जाए तो उसको दोस्तों सेव पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बायो भी आ चुका है और बहुत ही अच्छे से आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी जो यहाँ पे आपको डालनी है। उसको डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है नॉर्मल सा। जैसे ही दोस्तों आप डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे, जहाँ पे दोस्तों आपको सारे ऑप्शन में अपनी डिटेल डालनी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड डिटेल मिल रही है, वो यहाँ पे आपको डाल देनी है, जैसे कि वर्क, एजुकेशन, करंट टाउन, सिटी, होम टाउन, रिलेशनशिप, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको डाल सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऐड वर्क पे यहाँ पे जो डिटेल है वो मैं आपको डाल के दिखाऊंगा, दूसरी डिटेल आपको खुद को डाल लेना है दोस्तों। तो वर्क दोस्तों यहाँ पे आपको स्टाइलिश लगाना है, स्टाइलिश वर्क कैसे लेंगे दोस्तों, इसके लिए फिर से आपको क्रोम में आ जाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको होम टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है सोहो हिंदी, दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करी दोस्तों सर्च कर लेना है दोस्तों, और जो पहली ऑप्शन मिलेगी उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है फेसबुक स्टाइलिश वर्क, इतना आपको दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो पहली पोस्ट मिल गई उस पर आपको दोस्तों क्लिक कर लेना है नमूने सा। और दोस्तों अगर आप फ्री हैं तो ये सब पढ़ सकते हैं, और दोस्तों इस वेबसाइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। ये वाली पोस्ट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, दोस्तों आपके सामने देखे स्टाइलिश वर्क शो होने शुरू हो जाएंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे स्टाइलिश वर्क यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला स्टाइलिश वर्क है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस वाले स्टाइलिश वर्क को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा दोस्तों। ये देखिए मुझे पूरा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है हमें उस पर हमें क्लिक करना है, और हमारा जो भी स्टाइलिश वर्क है वो पूरी तरह से यहाँ से कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद दोस्तों हम फिर से FB में आ जाएंगे, और दोस्तों यहाँ से हम ऐड वर्क का जो ऑप्शन मिल रहा है हमें उस पर हमें क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने जो पेस्ट कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो वर्ड हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है दोस्तों। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरव्यू आएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है दोस्तों नॉर्मल सा। और दोस्तों यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आके लिए उसे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे हमारा जो स्टाइलिश वर्क है वो आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा स्टाइलिश वर्क यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हमें 8 से 10 बार हमारा स्टाइलिश वर्क यहाँ पे लगाना है, जो कि बहुत ही अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। तो फटाफट मैं यहाँ पे दोस्तों हमारा स्टाइलिश वर्क लगा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कि स्टाइलिश वर्क है हमने यहाँ पे 10 बार लगा लिया है, और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें सेव का ऑप्शन मिल रहा है नीचे में, उसके आपको क्लिक कर लेना है, और हमारा वर्क यहाँ पे सेव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें हॉबीज का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी हॉबी कैसे सिलेक्ट करनी है, हॉबी सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कई सारी हॉबीज आपके सामने शो होगी, तो दोस्तों इसमें से आपकी जो जो हॉबीज है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। रैंडमली मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉबीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो भी ऑप्शन है अकाउंट है उसमें बहुत ही अच्छा लगे दोस्तों। दोस्तों मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी हॉबी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपनी सही हॉबीज भी सिलेक्ट करनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारी हॉबीज यहाँ पे आ चुकी है, और बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है फ्यूचर एड फोटो। फ्यूचर एड फोटो दोस्तों आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्यूचर एड फोटो लगाने के लिए दोस्तों आपको फिर से अपने क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करना है थोड़ा सा,
और यहाँ पे आपको सर्च का आइकन मिलेगा, उस पर आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा टाइप कर लेना है दोस्तों फेसबुक फीचर फोटो, इतना आपको दोस्तों यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो पहली वेबसाइट मिल रही है उसे आपको ओपन कर लेना है पोस्ट, और दोस्तों इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने स्क्रॉल डाउन किया हमारे सामने बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर फोटो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमें चार फीचर फोटो लगाने हैं दोस्तों, वो कैसे लगाना है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये फीचर फोटो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, वन बाई वन करके हमने सारे फोटो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपके चार फीचर फोटो डाउनलोड हो जाए आपको फिर से ऐप भी में आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा ट्राई इट का, उस पर आपको दोस्तों क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें बैक से उल्टे फीचर फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है दोस्तों, जैसे कि इसमें पहले के आता है तो हमें यहाँ पे जी पहले सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, उल्टे फोटो सिलेक्ट करना है ताकि वहाँ पे सीधे आए दोस्तों। उसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पहली फीचर फोटो यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पे हमें दोस्तों दूसरी फीचर फोटो लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें प्लस का आइकन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है इस पर हमें टैप कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एंड सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे दोस्तों सेव करके दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर फोटो अपलोड कर लेनी है। सेम प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे दो फोटो और आपको लगा लेनी है, तो मैं यहाँ से फटाफट दो फोटो लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी सारी फीचर फोटो यहाँ पे आ चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है लिंक का, लिंक दोस्तों मैं आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों आपकी कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई टेलीग्राम चैनल है उसकी वगैरह लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लिंक को दोस्तों यहाँ पे आपको URL कॉपी करना है दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट कर देना, आपकी लिंक यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा की पूरा FB VIP अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों हमारा FB अकाउंट पूरी तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और आपके सामने हमने दिखा दिया कि हमारा अकाउंट पहले कैसा था और हमने अब कैसा बना दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा FB अकाउंट पूरी तरह से चेंज हो चुका है और दोस्तों VIP और अट्रैक्टिव बन चुका है दोस्तों। तो ऐसे आसान से स्टेप को फॉलो करके आप भी दोस्तों अपने FB अकाउंट को VIP और अट्रैक्टिव बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने जितने भी वेबसाइट यूज़ किए हैं, जितने भी पोस्ट यूज़ किए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों।